यस प्लीज। भगवत गीता है आपके पास? जी हाँ। दीजिए। धर्म कर्म की कुछ और किताबें हों आपके पास तो दिखाइए। जी अभी लाया। अरे रेहाना, सुबह सुबह कहाँ गई थी बेटी? सालगिरह मुबारक हो अम्मी जान, आपके लिए तोहफा लेने गई थी। मेरी सालगिरह हमेशा तुम्हें याद रहती है और अपनी हर बार भूल जाती हो। वो तो मेरा फर्ज है अम्मी जान। तुम्हारे सारे फर्ज मेरे लिए हैं, अपने लिए कोई फर्ज नहीं। आप हैं तो मैं हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आराम से चाय पीजिए, जल्दी नहीं है। अच्छा अच्छा। चलिए। पंडित जी। हाँ। ये मुरली उल्ली अंदर रख के कम बैक। ये सब रख के कम बैक मैन, वापिस आओ। लेकिन मैं वापस क्यों आऊ? नहीं तो क्या ये सब तुम्हारा बाप लेके जाएगा? ए एंटोनिया, हमारे पूज्य पिताजी का नाम मत लिया, लेकिन अच्छा ना हो। कहते हो कि सीढ़ियों पर से गिर पड़ी थी, इससे पूछा तो कुछ बताते ही नहीं। डॉक्टर और वकील से झूठ बोलने पर केस बिगड़ भी सकता है। इन्होंने ठीक ही कहा था डॉक्टर साहब। तुम अपने घर वाले से मार खाकर मोहल्ले वालों से छुपा सकती हो, मगर डॉक्टर से नहीं छुपाना चाहिए। मुझसे भूल होगी डॉक्टर साहब, कल कुछ ज्यादा पी ली थी। जितनी पीकर तुम्हारा हाथ औरत पर उठता है, उतना पीना तुम्हारे अपने लिए भी अच्छा नहीं है। ये दवा ले लो, परसों फिर आ जाना।
थैंक यू डॉक्टर। बाल्टी लाया? बाल्टी? हाँ हाँ बाल्टी दावा के लिए। बाटली? हाँ हाँ वही। ठहरो। अरे बशीर मियाँ तुम? जी हाँ सलमा अपा, आदाब। आदाब, आओ बैठो। आदाब करो बेटे, आदाब। मेरा फर्जंद रहमान। अरे कितना बड़ा हो गया, छोटा था तब देखा था। रईस मियाँ चाय लेकर आओ। और सुनाओ बशीर मियाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? यूं ही, रहमान इंटरव्यू देने आ रहा था, मैंने सोचा मैं भी इसके साथ दो चार दिन घूम फिराऊं, इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। रेहाना कहाँ है? सुना है डॉक्टर हो गई है। हाँ, आप लोगों की दुआ से दवाखाना चला रही है। वो तो हम दोनों में से किसी को भी नहीं पहचान पाएगी। हाँ, बहुत छोटी सी थी जब तुम लोगों के आना जाना था। चश्मे बद्दूर। बेटी ये बशीर मियाँ है और ये इनके साहबजादे रहमान। आदाब। आदाब। बहुत छोटी सी थी तुम जब इन्होंने तुम्हें और तुमने इनको देखा था। आप लोग अम्मी जान से बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी फर्मा बरदार बच्ची है, चश्मे बद्दूर। ओ भैया किधर से आए तुम लोग? अरे किधर से आए तुम लोग? ठहरो बाबा बताता है। बताओ ना भाई। ठहरेगा भी? दो तीन चार पाँच छ नौ दस ग्यारह महीना 19 दिन पहले एक दिन सुबह 5:25 पर एक जोधपुर के महल में से 3 डिसेंट आदमी हमारे जैसा इस जंबो जेट में बैठ के निकला। मिस्टर हम लोग का आज तक रिकॉर्ड है, 6 दिन से ज्यादा कहीं पढ़ नहीं रुका। क्यों? ये जो हमारा साहब है ना, उसको इधर से उधर जाने का बीमारी है। बीमारी? हाँ, बीमारी। इलाज कराओ मेरा डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? अरे अगर कोई डॉक्टर इसका इलाज करेगा ना तो वो खुद बीमार पड़ जाएगा। एंथनी। हाँ आया साहब। ओके मिस्टर, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मेहमान चले गए? हाँ बेटा, बहुत देर पहले आए थे, रहमान इंटरव्यू के लिए आया है। ओ, मैंने कह दिया अगर नौकरी मिल जाए तो यहीं आकर रह जाए, कहाँ मकान ढूंढता फिरेगा। बहुत अच्छा किया। बेटी तुम खाना लगवाओ, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। रईस मियाँ जी, खाना लगाओ। अरे जूता पहन कर उसी घर में काहे को चला होता है? साहब कब से पानी मांगता, तुम उसको पानी क्यों नहीं देता? मैं शराब पिएगा? अरे अक्कल का दुश्मन पंडित हरि प्रसाद का बच्चा, अगर बिना पानी का शराब पिएगा साहब तो बहुत डेंजरस मैन। हाँ ज्यादा नुकसान पहुंचाता मैं। ऐसा तू जाने ठहरा, हम पानी देते हैं। पानी देते जाने ठहरा। अम्मी जान, दोपहर की दवा खा ली थी आपने? हाँ डॉक्टर साहिबा, खा ली थी। दवा खाने जाती हो तो मरीजों की फिक्र, घर आती हो तो माँ की फिक्र, कुछ अपनी भी फिक्र है तुम्हें? मेरी फिक्र आप जो करती हैं। आजकल मुझे सचमुच तुम्हारी फिक्र होने लगी है। बेटी ये बशीर मियाँ। अम्मी जान मैं शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारा फैसला है,
या टालने का बहाना। अम्मी जान, मैंने आज तक जिंदगी में आपकी हर बात खुशी से मानी है और मानूंगी। क्या आप कोई ऐसा फैसला करना पसंद करेंगी जिसे मानने के लिए मैं अपने आप को बेबस महसूस करूं? नहीं बेटे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। मगर शादी के बारे में तुम्हारे रवैये को देखकर मुझे डर लगता है। डरिए मत अम्मी जान, मैं जब भी शादी करूंगी, जहां आप कहेंगी, जिससे आप कहेंगी, उसी से करूंगी। मुझे यकीन है बेटे, मगर कब? जिसकी अम्मी दिल की मरीज हो, जिसके सर पे अब्बा का साया ना हो, उसके लिए फैसला करना बहुत ही मुश्किल है अम्मी जान। अल्लाह ऐसी रूह सबको दे। व्याकुल मनवा हरि गुण गाले, व्याकुल मनवा हर का नाम सदा सुखदाई, हर का नाम सदा सुखदाई, हर का नाम सदा सुखदाई। जब तक शराब पीना छोड़ोगी नहीं, दवाई क्या खाक असर करेंगी? शराब तो मैंने मुद्दत हुई छोड़ दी डॉक्टर साहब, कल से अभी तक पी ही नहीं। आ जाओ, दरवाजा खुला है। जरा पानी पिला दो। अच्छा साहब। सलमा आपा, मिठाई खाओ, रहमान को नौकरी मिल गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है। रहमान बेटे, कल ही सामान लेकर आ जाना। नहीं फूफी जान, अब तो अब्बा के साथ जा रहा हूँ, 10 दिन के बाद ज्वाइन करना है, तब आऊंगा। जब भी आओ, तुम्हारे ही घर है। नौकरी पर जाने से पहले आपकी दुआएं लेकर ही जाऊंगा। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम लोगों के साथ है बेटे। रेहाना कहाँ है? अपने कमरे में कुछ पढ़ रही है। मैं उसे खुशखबरी देकर आता हूँ। जाओ बेटे। रहमान अब तुम्हारे सुपुर्द है सलमा आपा। फिक्र मत करो, मेरे लिए जैसी रेहाना वैसे रहमान। जो मुनासिब समझो कर लेना, मुझसे कहने पूछने की कोई जरूरत नहीं। कम इन। अरे रहमान साहब, आप लीजिए मिठाई खाइए और मेरे यकीन की दाद दीजिए। मेरे यकीन की दाद नहीं देंगी आप? लग जाने पर भी तुक्का तीर नहीं हो जाता रहमान साहब। लगने वाली चीज को तो तीर ही कहा जाएगा मिस रेहाना। काश आप अपने आप को मेरी नजर से देखती। तीसरी मुलाकात में नजर तक पहुंच गए आप, दिल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रफ्तार काफी तेज है आपकी।
मंजिल अगर खूबसूरत हो तो रफ्तार में तेजी आ ही जाती है। कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? 10 दिन बाद। अभी चलता हूं, देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा जवाब नहीं, किसी को जिंदगी बनकर जगाए रखता है और किसी को थपकियां देकर सुला देता है। मालिक बिना खाए सो गए लन। साहब सोया नहीं, पीके बेहोश हो गए। साहब को नींद कहाँ आता है? हे भगवान, मालिक के रक्षा करिए। ए एंटोनिया, अरे खड़े खड़े कहा सोचा थो, जूता खोला, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। नहीं पंडित, हम खाना नहीं खाएगा, तुम खा लो। साहब अच्छे हैं,
बहुत अच्छे। नहीं मैम साहब, मैम साहब आप अंदर नहीं जाने को सकता, हमारा साहब ने आपको मना किया है मैम साहब। आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, हमारे सामने आपको मना किया मैंने। रॉन्ग नंबर। मैं कब तक लेटर हूं डॉक्टर साहब? तुम जाकर वही दवा ले लो, कल फिर आना। जी। पंडित पानी लाओ। एंथनी। यस सर। हमें कितने दिन हुए यहां आए हुए? सात दिन साहब। सेवन डेज साहब। सात। कल सुबह हम यहां से चलेंगे, सामान बांध लो। देर लगाता सामान लाने के लिए टकलू। कभी कहते पानी लावा, कभी कहते ये लावा वो लावा, और फिर बोलते टकलू अच्छा होती। हाँ टकलू नहीं बोलू तो तेरे क्या बोलू साहब? तेरे सर के पास बाल नहीं हो टकलू नहीं बोलो गंजे। अबे गंजे हो गए तेरे बाप। अबे चल चल ला 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 देख रहा ला, तू रखा सामान अभी मालिक के जाके कहते फोर्ट तेरी तो मैं मारूंगा। मैं मालिक 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 के कान दुनिया हम से झगड़ा कर। Oh,
जाने के लिए शराब का सहारा मैंने ले लिया, शराब का सहारा मैंने ले लिया। नीते दिन कुछ इस तरह याद आ गए, बीते दिन कुछ इस तरह याद आ गए, मेरी आँखों में अंधेरे हटाने लिए शराब का सहारा मैंने लिया, शराब का सहारा मैंने लिया। कब तलक दर बदर हिरता रहूं, कब तलक दर बदर हिरता रहूं, मैं सुकून दिल की खातिर क्या करूं, जख्मों की बुझाने के लिए शराब का सहारा मैंने ले लिया, शराब का सहारा मैंने ले लिया। मुझको ले डूबे न मेरे गम कहीं, मुझको ले डूबे न मेरे गम कहीं, घुट के रह जाए न मेरा दम कहीं, अपनी हस्ती को मिटाने के लिए शराब का सहारा मैंने लिया, शराब का सहारा मैंने लिया। जिंदगी सहारा मैंने ले लिया। एंथनी जी। मैम साहब, सारा सामान गाड़ी पर क्यों रखा है? मैम साहब, हमारे साहब का तबीयत ठीक नहीं, वो कल रात को यहाँ से जाने के लिए बोलता होता लेकिन अभी तक उठा नहीं है। मैम साहब,
तबीयत खराब है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? छह मैम साहब, जो आदमी सुसाइड करने का, अपना खुद का जान लेने का फैसला खेला है, उसका कोई डॉक्टर क्या इलाज करेगा मैम साहब? मैं देखती हूँ। सॉरी मैम साहब, साहब ने आपको अंदर आने के लिए मना किया है। एंथनी? यस मैम साहब। तुम्हारे साहब को तो बहुत तेज बुखार है। मिस्टर मालगुंदार, बेड लाइन। तुम्हारे साहब बहुत शराब पीते हैं क्या? हाँ मैम साहब, रोज का एक बॉटल। तुम मना क्यों नहीं करते? रोकते क्यों नहीं इन्हें? रोकने से मेम साहब वो रोने लगता है, जहर खाने का धमकी देता है मेम साहब। तुम मेरे साथ दवा खाने चलो, तुम्हें कुछ और दवाएं दूंगी इनके लिए। ए जंबुजेट। यस। ये लो, एक दिन में चार बार और ये दिन में दो बार खाने से पहले, समझा? हाँ दादा। आपका पैसा कितना? पैसा? पैसा नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर साहब पैसा नहीं बोला। अच्छा ये आपके पास रखो, हम आता अभी। मैं आकर देख लूंगी। ओके। क्यों एंथनी, दवा ले ली? हाँ मैम साहब, लेकिन हमारा साहब दवा पिएगा। क्यों? क्यों नहीं पिएंगे? आप अगर हमारे साथ चलता होता तो अच्छा होता मैम साहब। हम अगर जाकर साहब को दवाई देंगे तो वो फेंक डालेंगे, गुस्सा करेंगे, गाली देंगे, हमको बोलेंगे गेट आउट। आप हमारे साथ चलो ना मैम साहब। अच्छा चलो चले। बैठे रहिए एंथनी, एक गिलास पानी ले आओ। दर्द हो रहा है? आप डॉक्टर हैं क्या? जी मैं डॉक्टर हूं और आप मरीज। मैं जो कहूंगी सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पानी मेम साहब लीजिए, कैप्सूल खा लीजिए। मैं जानता हूं मेरी बीमारी लाइलाज है, मेरे मर्ज की कोई दवा नहीं है। है, हर मर्ज की दवा है, हर बीमारी का इलाज है। आपके पास? जी हाँ मेरे पास। लीजिए इसे मुंह में डालिए और पानी पी लीजिए। लीजिए। सुबह से तो काफी कम बुखार है, ये मिक्सचर पी लीजिएगा। मैं शाम को फिर आऊंगी। एंथनी डॉक्टर साहब की फीस दे दो।
फीस देने वाले दवाखाने में बहुत से मरीज आते हैं। आप अच्छे हो जाइए, फीस भी ले लूंगी। एंथनी, सामान उतरवा कर अंदर रखवा देना, क्योंकि तुम्हारे साहब तो कम से कम 4 दिन कहीं जा नहीं पाएंगे। मेम साहब, हमारा साहब हीरा है हीरा मेम साहब, ये हीरे के ऊपर बहुत मिट्टी जमा हुआ मेम साहब, आप ये मिट्टी को निकालेगा तो आपको खरा हीरा नजर आएगा मेम साहब। क्या पता हीरा परखने वाली नजर ही ना हो मेरे पास। है मेम साहब, आपके पास नजर है, आपके पास दिल है, आप हमारे साहब का जान बचा सकता है मेम साहब। क्या चाहते थे आप? यही कि आपके घर में दाखिल होने से पहले आपके दिल की कैफियत जान लूं तो अच्छा है। मेरे दिल की कैफियत बिल्कुल सही है, सेहतमंद है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। रहमान साहब, ये दवाखाना है, यहाँ हर बात मर्ज और इलाज के ताल्लुक से ही होती है। मतलब आपसे कुछ मांगना हो तो बीमार बनकर ही मांगना होगा। जी नहीं, मेरे पास दवाओं के अलावा और कुछ है ही नहीं, और दवाएं भी सिर्फ वही जो दिल, रूह और दिमाग को छोड़कर जिस्म के बाकी हिस्सों पर कारगर होती हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सामान्य उतारा अभी तक? वो हमारा साहब बहुत जिद करता है मेम साहब, वो यहाँ से जाने के लिए बोलता, आपका फीस देने के लिए रुका है। आप अपनी फीस ले लीजिए, मुझे यहां से जाना है। एंथनी। यस मैम साहब। एक गिलास पानी और एक खाली गिलास ले आओ। अच्छा, आप अपनी फीस ले लीजिए, मैं दवा नहीं पीऊंगा। दवा नहीं पीऊंगी तो आप अच्छे नहीं होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो ना मैं अपनी फीस लूंगी ना आपके यहां से जाने दूंगी। अच्छी जबरदस्ती है। हाँ है, क्या किया जाए, लीजिए। मगर मैं अच्छा भला हूं। आप अच्छे भी हैं और भले भी हैं, मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लीजिए, पी लीजिए, लीजिए। एंथनी, खाली बोतलें खरीदने वाले सड़क पर खड़े होकर आवाजें लगाते हैं। गाड़ी से सामान उतारने के लिए कह दीजिए, क्योंकि कम से कम एक हफ्ता तो आप सफर कर नहीं सकते। एंथनी। जी साहब। गाड़ी से सामान उतार लो।
अबे ओ पंडित हरि प्रसाद आज बहुत तू बहुत खुश है यार। अरे हमारे मालिक आज बहुत खुश हुआ, लावा लावा सवाल लावा। आज तू बहुत खुश है उसके, तेरे को आज मैं टकलू नहीं बोलूंगा। आज तू कितना अच्छा है यार। चल बात अभी मुंह बंद कर, चल। यही बात तो तेरा खराब है। हाँ चल अभी। अच्छा अरे कहाँ जा रहे हो इस? मैं भी अम्मी जान। क्या हक है आपको इस तरह मेरी जिंदगी में दखल देने का? कौन है आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, अपनी नजरों के सामने आपको जहर नहीं पीने दूंगी। ये जहर मेरी जिंदगी बन चुका है, मैं इसी के सहारे तो जीता हूं। ये आपका वहम है, मैं नहीं जानती आपको क्या गम है, किस बात का गम है, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि कोई भी गम ऐसा नहीं जिसे इंसान बर्दाश्त ना कर सके। बर्दाश्त करने के लिए ही तो पीता हूं। झूठ, आप बर्दाश्त करने के लिए नहीं भूलने के लिए पीते हैं, और पीकर भी जब भूल नहीं पाते तो और पीकर बेहोश हो जाते हैं। आप तो काफी कुछ जानती हैं मेरे बारे में। मरीज के बारे में जानना डॉक्टर का फर्ज है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, क्या आपकी दवाइयां मुझे खोया हुआ सुकून दे सकती हैं? है आपके पास टूटे हुए दिल का कोई इलाज? है कोई ट्रीटमेंट जो तन्हाई के दर्द की कड़वाहट को मिठास में बदल दे? एक डॉक्टर के पास इन बीमारियों की कोई दवा नहीं है, मगर एक इंसान के पास है। लेकिन कोई भी इंसान उस वक्त तक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि उसे यह मालूम ना हो कि आपने अपना सुकून कहां खोया था, आपका दिल किसने तोड़ा था, और यह तन्हाई जिससे आप डरते हैं भागते हैं किसकी देन है। किसी को भी यह सब बताकर जो कुछ मुझे उससे मिलेगा वो दया होगी, रहम होगा, जो मुझे नहीं चाहिए। आप जा सकती हैं। गुड नाइट। आज की रात आप शराब नहीं पिएंगे। गुड नाइट। रेहाना जी। अम्मी जान, आज पहली बार तुमने मेरे सवाल का जवाब गलत दिया। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रही हो, तुमने कहा अभी आती हो, और फिर ये सोने का लिबास पहनकर भी। हाय अल्लाह, दरअसल बात ये हुई अम्मी जान, सामने वाले मकान में नए किरायेदार आए हुए हैं, वो बहुत बीमार हैं, ऊपर से देखा बीमारी की हालत में शराब पी रहे हैं, उन्हें मना करने गई थी, कपड़ों का ख्याल ही नहीं रहा और जल्दबाजी में आपको गलत जवाब दे गई। बेटी, मेरी समझ में नहीं आता, तुम्हारे अंदर जो डॉक्टर है वो मेरी बेटी है या जो इंसान है वो? दोनों ही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पहचान रे नैना ढूंढे तोहे शाम, तो शाम शाम अब
अब आज नहीं कछु काम अब और नहीं कछु काम दे अब और नहीं कछु काम दे आराम मैं ना ढूंढे तो है शाम मैं ना ढूंढे तो है शाम दे मैं ना ढूंढे तो है शाम क्या घड़ी 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 देखता जाना तो जाइए बैठना तो बैठिए। अरे रहमान तुम अभी तक गए नहीं देर नहीं हो जाएगी। बस जा ही रहा हूँ फूफी जान। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। खुदा हाफिज़ अम्मी जान। खुदा हाफिज़। मेम साहब, मेम साहब, आज हम और हमारा जंबो जेट एकदम खुश है मेम साहब। हाँ मेम साहब, हमारे साहब का तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया मेम साहब, वो बहुत गुड मूड में है। अच्छा? हाँ मेम साहब, रात को वो बिल्कुल शराब नहीं पिया मेम साहब, आप अंदर जाके देखो ना उनको। अभी नहीं, शाम को आऊंगी। अच्छा मेम साहब, ओके मिस्टर पटी। हाँ ओके जंबो जेट। आज की रात आप शराब नहीं पिएंगे। 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 आइए, मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। यही ना कि ये जबरदस्ती करने वाली दोबारा ना आए तो अच्छा है। जी नहीं, सोच रहा था आ जाए तो अच्छा है, जल्दी आ जाए तो बहुत अच्छा है। तब तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने सोचा और मैं आ गई। शुक्रिया। आप नब्ज़ देखो, आज तो बुखार बिल्कुल नहीं है। जी। गिलास मंगवाऊं? पियेंगे? जी नहीं। थोड़ी देर बाद? जी नहीं। कल परसों? छह आठ दस दिन बाद? जी नहीं। छह आठ दस महीने बाद? बिल्कुल नहीं। फिर सोच लीजिए एक बार। सोच लिया। शराब नहीं पियेंगे आप? जी।
बच्चे नहीं। एंथनी टुकड़े उठाकर फर्श साफ कर दो। कमाल है, जब बीमार थे तो फीस के रट लगाए हुए थे और अब जब अच्छे हो गए तो फीस का नाम ही नहीं लेते। कितनी फीस है आपकी? सवाल गलत है आपका। जी जी, कितनी फीस है मत पूछिए, पूछिए क्या फीस है। अच्छा, क्या फीस लेंगे आप? 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे जब तक आप यहाँ रहेंगे। ये फीस आप लेंगी या देंगी? लूंगी। लेकिन ये फीस तो बहुत कम है। अभी पूरी कहाँ बताई, इन 2 घंटों में आपको मुझे गाना सिखाना पड़ेगा। आप मुझसे गाना सीखेंगी? कब से आ जाऊं? जब से आपका दिल चाहे। कल शाम से। खुदा हाफिज।
जला लो मन के सारे दीप के दीप जला लो ये दीप अमर हो जाए ये दीप अमर हो आइए आइए पंडित जी आइए ईद मुबारक ईद मुबारक जमजेट ईद मुबारक ईद मुबारक मिस्टर फटी ईद मुबारक आइए ईद मुबारक तशरीफ रखिए शुक्रिया रेहाना पंडित जी कैसा है ठीक बात ठीक बात कुरान शरीफ दीजिए श्योर क्या खरीदा आपने तुम क्या खरीदने आई हो सुनिए एक भगवत गीता दीजिए आप अपने धर्म को बहुत मानते हैं ना मैं सभी धर्मों को मानता हूं मैंने आज पहली मर्तबा अपनी अम्मी जान से झूठ बोला उसकी क्या सजा है आपके धर्म में
झूठ बोलने की सभी धर्मों में एक ही सजा होगी। क्या झूठ बोला तुमने? अम्मी जान से ये कहकर कि मैं एक मरीज को देखने जा रही हूँ, आपके साथ चली आई। ये झूठ कहाँ से हुआ? मरीज तो मैं हूँ ही। अब ये फैसला करना मुश्किल है कि हम दोनों में से मरीज कौन है और डॉक्टर कौन। मेरा ख्याल है हम दोनों ही मरीज हैं और इलाज तुम्हारी अम्मी जान के हाथ में है। अब्बा जान की मौत के वक्त मैंने उनसे कसम खाकर वादा किया था कि जब तक अम्मी जान जिंदा रहेंगी मैं उनके सही गलत जायज नाजायज हर बात मानूंगी। मानती रही, मानना चाहती हूं। दुनिया के सभी लोग शायद तुम्हें बहुत ही नेक शरीफ और फरमाबरदार बेटी कहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बेवकूफ कहूंगा। क्यों? देखो रेहाना, कोई भी इंसान जिसको तुम बहुत प्यार करती हो, जिसकी तुम बहुत इज्जत करती हो, उसकी कोई भी बात इस प्यार और इज्जत की वजह से मान लेना जहालत है। क्योंकि 100 बातों में से हो सकता है 99 बातें तुम्हारे लिए फायदेमंद हों, अच्छी हों, सही हों, लेकिन एक बात भी अगर गलत निकल आई तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? नहीं करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को ठुकराने की? इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा, चाहूंगा और करूंगा, समझे? मुझ पर बीत चुकी है इसलिए कह रहा हूं। जिस जहन्नम से तुम मुझे वापस लाई हो वहां मैं इसलिए पहुंचा था कि मेरे पिताजी, जिनकी हर बात में गर्दन झुकाकर मान लिया करता था, उनका एक फैसला मेरे हक में गलत साबित हुआ था। मेरी अम्मी जान दिल की मरीज है, मैं बगावत नहीं कर पाऊंगी। बगावत करनी ही पड़ेगी, ऐसा क्यों सोचती हो? नहीं कर सकी तो शायद आपको खोना पड़े। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें जात, धर्म, खानदान, स्टेटस, नाम कुछ भी ना पूछा जाए और दो इंसान एक हो जाए। है, यही तो रिश्ता है मेरा तुम्हारा, मगर इस रिश्ते को हम दोनों ही मानते हैं, समाज नहीं मानता। और चूंकि हमें समाज में रहना है इसलिए हमें किसी ऐसे रिश्ते में भी बनना होगा जिसे समाज मानता हो। वो रिश्ता है शादी। रेहाना जी। अम्मी जान, जिस इंसान की खातिर तुमने जिंदगी में पहली बार अपनी मां से झूठ बोला, उस इंसान के लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है? कौन सी जगह है? उम्मीद है इस सवाल का तुम जवाब सही दोगे। अम्मी जान, मैंने आपसे झूठ बोला उसके लिए माफी चाहती हूं, आइंदा कभी नहीं बोलूंगी। जवाब अधूरा है रेहाना, पूरा करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अम्मी जान, आप मेरी मां हैं, जो कुछ मैं नहीं कह पा रही हूं आप खुद समझ सकती हैं। रेहाना, तुम एक औरत हो, मुसलमान हो, तुम्हारी मां दिल की मरीज है, तुम्हारे सर पर अब्बा का साया नहीं है,
ये बातें तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। नहीं भूली अम्मी जान, और भूलूंगी भी नहीं। तो मैं उम्मीद रखूं तुम उससे कभी नहीं मिलोगी? आपसे झूठ बोलकर या छुपाकर कभी नहीं मिलूंगी। माँ का ख्याल रखना, उसका कहा मानना। अगर मुश्किल हो, नामुमकिन हो, तो भी मान लेना। दिल की मरीज है, अब बेवा हो जाएगी, उसका दिल ना दुखाना बेटी। जी अब्बा जान। बेटी, मुझे खुशी है तुम्हें मेरी बातें और अपना वादा दोनों याद रहे। आखिरी बार मिलना चाहती हूं अम्मी जान, इजाजत है? जिन मुसाफिरों के मंजिलें अलग अलग हो, उन्हें सफर में कभी नहीं मिलना चाहिए। वो हम सफर नहीं बन सकते। जो सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया अम्मी जान, उसमें कौन किसका हम सफर बन सकता है? अलविदा कहने के लिए मिलना चाहती हूं। जल्दी आ जाना। क्या बात है? अपने धर्म की और अपने संगीत की कसम खाकर एक वादा करेंगे आप मुझसे? कहो। अगर मुझे खोना पड़ा तो भी शराब को नहीं अपनाएंगे आप? इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है? तुम्हें खोने के बाद तो कुछ भी अपनाने लायक नहीं रहूंगा मैं। आप मेरी मजबूरियों को समझना नहीं चाहते हैं या उन्हें मजबूरियां मानना नहीं चाहते? समझने या मानने से पहले जानना चाहता हूं, बताओ तो तुम्हारी मजबूरियां हैं क्या? मैं औरत हूं, मुसलमान हूं, मेरी मां दिल की मरीज है,
मेरे सर पर बाप का साया नहीं है। मैं अपनी मर्जी से, अपने चाहने से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हिम्मत क्यों हारती हो? कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। आप क्यों मेरी बेबसी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? हमारे एक होने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने इर्द गिर्द की दीवारों को नहीं गिरा सकती। खुदा के लिए आप यहां से चले जाइए। कहां से जाने के लिए कह रही हो? इस शहर से, इस मकान से, या अपने दिल से? आप यहां से चले जाइए, दिल को मैं संभाल लूंगी। मुझे विश्वास हो जाने दो कि तुम सच में संभल जाओगी। कैसे संभलूंगी? आप यहां रहेंगे तो अपने आप को संभालना और भी मुश्किल होगा मेरे लिए। जो बात मेरे लिए नामुमकिन है, उसे अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए भी नामुमकिन बना सकती है, तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। इतनी खुदगर्ज और संगदिल है आप। मौत के मुंह से वापस लाई हो तुम, जिंदगी हो मेरी, आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी जिंदगी नहीं हूँ। मेरा आपसे किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। मुझे भूल जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मेरे पेट में नहीं, मेरे सर में दर्द है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये क्या दवा दे दी आपने मुझे? जुल्लाब लगे हुए, बुखार की गोली दे दी। ओह, आई एम सॉरी, ठहरो। अरे, आप तो ऐसे चौंकी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। रहमान साहब, आपको जब भी मुझसे बात करनी हो सिर्फ मतलब की बात किया कीजिए। कहिए। मैं रात के शो की 3 टिकटें लाया हूं। फूफी जान चलने के लिए तैयार हैं। चाहती हैं आप भी चलें तो अच्छा है। अम्मी जान, क्या है बेटी? क्या आप चाहती हैं कि मैं आप लोगों के साथ फिल्म देखने चलूं? रहमान इतने शौक से टिकटें लाया है, चलो तो अच्छा है। आप जैसा चाहेंगे अच्छा ही होगा मेरे लिए, मगर मेरी ख्वाहिश नहीं है फिल्म देखने की। बगैर ख्वाहिश के फिल्म देखना शायद ये भी अच्छा ही हो मेरे लिए। रिहाना, क्या हो गया है तुम्हें? इसमें ऐसी कौन सी बात है? इसमें सिर्फ इतनी सी बात है अम्मी जान कि आज तक आपने जो चाहा जैसा चाहा मैंने किया, आइंदा भी करूंगी, चाहे उसे मेरी ख्वाहिश हो या ना हो। अगर जाने का फैसला करें तो मुझे ऊपर से बुलवा लीजिएगा। रहमान, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। रस्मी उर्फ़ को निभाए तो निभाए कैसे? रस्मी उर्फ़ को निभाए तो निभाए कैसे? हर तरफ आग है दामन,
एक्सप्रेशन छीन लेने से क्या दर्द कम हो जाएगा या मिट जाएगा? जिस दर्द का इजहार किसी का जीना मुश्किल कर दे उसे क्यों जाहिर करते हैं आप? मैं बेबसी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं रेहाना। और मैं इतनी बेबस और मजबूर हूं कि मर जाना पसंद करूंगी लेकिन अपनी मां की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी मां, तुम्हारा मजहब, क्या तुम्हारे प्यार को नहीं जानते? प्यार इंसान ने किया है। मैं उसी से पूछता हूं जिसने प्यार किया है। क्या टूटे हुए दिल को फिर से तोड़ने के लिए जोड़ा था? मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूं, आप यहां से चले जाइए। इस दुनिया में रेहाना ही एक औरत नहीं है। रेहाना ही एक औरत है जो मेरी दुनिया है, और इस दुनिया में आग लगाने का किसी को कोई हक नहीं है। अपनी जाती खुशी और सुख के लिए मां को दुख पहुंचाना, मजहब से बगावत करना, क्या ये खुदगर्जी नहीं होगी? और किसी परिंदे के पर काट देने के बाद उसे तड़पने की इजाजत न देना, उड़ जाने का हुक्म करना, क्या ये खुदगर्जी नहीं है? खुदा के लिए इल्जाम मुझ पर मत लगाइए, ये हालत तो मेरी है। पर कट चुके हैं, तड़प नहीं सकती और उड़ना लाजमी है। रेहाना, क्या ये सच नहीं कि मन से तुम मुझे अपना पति मान चुकी हो? और क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे जिस्म के रोए रोए में मैं बस चुका हूं? हाँ हाँ ये सच है। तो फिर तुम कैसे किसी और की हो जाओगी? मैं उस रेहाना का गला घोट दूंगी जिसमें आप बसे हुए हैं, मार डालूंगी उसे जो आपकी है। इससे अच्छा है मुझे मार डालो। मुझे अगर अपनी मां में और आप में किसी एक को चुनना है तो मैं अपनी मां को चुनूंगी। इससे आप मरे, मैं मरूं, चाहे सारी दुनिया मर जाए, ये धोखा है तो है, फरेब है तो है। मैं जो चाहती हूं तुम करती हो, जो कहती हूं मानती हो, इसीलिए ना मां हूं। मां होने की क्या इतनी बड़ी मुझे कि मैं जो चाहूं तुम करती जाओगी और तुम जो चाहती हो कभी बताओगी नहीं। कैसे बताऊं मीजान, आपकी और मेरी चाहत में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या हुआ बेटी, अगर तुम्हारा फर्ज मेरी बात मानना है तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं तुम्हारी तरफ? कभी मुझे भी अपना फर्ज पूरा करने का मौका दो बेटी। अम्मी जान, किसी दूसरे मजहब में शादी की बात सोचना क्या गुनाह होगा? अगर कहूं होगा तो? और किसी इंसान को दिल से अपना खाविन तस्लीम कर लेने के बाद किसी और से शादी करना भी गुनाह होगा? अगर पहली बात को गुनाह तस्लीम कर लिया जाए तो दूसरी उससे भी बड़ा गुनाह होगा। इनमें से एक गुनाह तो करना ही होगा ना, पहले में शायद आपकी खुशी ना हो। लेकिन हम आपको बोलो साहब। बोलना, वो अपना पंडित है ना साहब, इसको शादी बनाने का साहब, इसको घर जाने का छुट्टी दो ना आप। जाओ। मिल गया छुट्टी तेरे को। साहब घर सवार माँ का खत आयल बा, ओकरा में लिखल बा तू तोहर खादी तय हो गई, जल्दी जल्दी चल।
बेटी, तुमने अपनी माँ और अपने मजहब दोनों को गलत समझा है। सच्चा प्यार अंधा होता है, वो मजहब के उसूलों को नहीं मानता, ममता की नसीहतों को नहीं सुनता। बेटे, वो सोच समझ कर नहीं किया जाता, हो जाता है। ऐसे प्यार का होना भूल नहीं हो सकती, जुर्म नहीं हो सकता। तो फिर क्या बदकिस्मती है, बगावत है? नहीं बेटे, खुशकिस्मती है। सच्चे प्यार से भरे हुए दिल का नाम जन्नत है। अम्मी जान, सच्चा प्यार जिस दिल में है बेटे, वो दिल दुनिया के तमाम मजहबों से ज्यादा पाक है। और कोई भी सच्चा मजहब उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनता। मेरा दो दिलों के बीच की दीवार का नाम नहीं है। तब तो कोई उलझन नहीं है अम्मी जान। उलझन है बेटी, मगर उजाया जा सकता है। जिस तरह प्यार का एक रंग है, उसी तरह मजहब का भी एक रंग है। प्यार के रंग में दो इंसान रंगते हैं और मजहब के रंग में बहुत से इंसान रंगे हुए हैं। तो एक होने वाले इंसानों का एक रंग होना बहुत जरूरी है बेटी। मैं समझी नहीं अम्मी जान। कोई भी ऐसा मकान जिसकी दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, पर्दे एक रंग के हो, अगर उसमें कोई दूसरे रंग की चीज आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए यही बेहतर है कि कोई दूसरे रंग की चीज उस मकान में लाने से पहले उसका रंग बदल दो, मकान के उस रंग में उसे रंग। मैंने आज तक जो कुछ भी आपसे कहा सारे अल्फाज वापस लेती हूँ। क्यों, और कुछ कहना है क्या? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मांगी भी तो माफी मिल जाएगी तो कुछ और मांगने की हिम्मत कर सकूंगी। जिसका जख्म भी तुम हो, मरहम भी तुम हो, दर्द भी तुम हो और दवा भी तुम हो। एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं आपसे शादी करूं तो क्या आप मुझे मजहब बदलने के लिए कहेंगे? हरगिज नहीं। हिंदू धर्म एक मुसलमान औरत को जननी के रूप में कबूल करेगा? रहना, जननी का कोई धर्म नहीं होता, वो इंसान है और जो जन्म लेता है वो भी इंसान है, ये हकीकत है रहना। और जो धर्म इस हकीकत को मानने से इनकार करेगा मैं उसे नहीं मानूंगा। तो क्या आप मुसलमान हो जाएंगे? ना मानने से मेरा मतलब यह नहीं कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा। मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, धर्म के ठेकेदारों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दूंगा। अगर आप हिंदू रहेंगे और मैं मुसलमान तो औलाद तुम? बाप हिंदू, मां मुसलमान, इंसान। आदाब फूफी जान। फूफी जान, अगर आप वह माने तो एक बात कहूं। कहो। रेहाना का सामने वाले मकान में आना जाना अच्छा नहीं। क्यों? लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे अपनी बेटी से ज्यादा लोगों की बातों पर भरोसा करना चाहिए? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए, लेकिन उस आदमी पर मत कीजिएगा, वो शादीशुदा है। क्या?
मजहब बदलने की बात सोचना या कहना बचपना है रेहाना। क्यों? तुम इंसान हो, बदल कर कुछ और तो नहीं बन सकती, और इंसान होना ही सबसे बड़ा मजहब है, सबसे बड़ा धर्म है, समझी? रेहाना, तुमने उसे कहा क्या अम्मी जान? मजहब बदलने के लिए? नहीं। क्यों? कोशिश के बावजूद भी नहीं कह पाई। मगर क्यों? क्या तुम्हें खुद अपने मजहब पर एतमाद नहीं रहा? नहीं नहीं अम्मी जान, ये बात नहीं। लेकिन किसी भी कपड़े पहने इंसान को अगर दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहा जाए तो उससे ये कहना होगा कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं उनसे ये कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, और ये कहना बहुत मुश्किल। मजहब लिबास नहीं है बेटी। मजहब लिबास ही तो है अम्मी जान, जिस्म का नहीं रूह का। और चलो अच्छा ही हुआ तुमने नहीं कहा, आप कहने की कोई जरूरत। क्यों? जिस आदमी के साथ तुमने शादी करने का फैसला कर लिया था उसकी जिंदगी के आगे पीछे के कुछ हालात भी जानती हो तुम? आगे मैं हूं अम्मी जान, पीछे का मुझे पता नहीं। हो सकता है पीछे कोई ऐसी बात हो जिसके वक्त पर पता न चलने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने सुना है ये आदमी शादीशुदा है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता और नहीं है, इसमें बहुत फर्क है बेटी। नहीं नहीं, झूठ है अम्मी जान। तुम किसे तसल्ली? मुझे या अपने आप को? तुम्हारे यकीन की बुनियाद क्या है? प्यार या हकीकत? प्यार। लेकिन बेटी यहां उस यकीन की जरूरत जिसकी बुनियाद हकीकत हो। आज के बाद जो भी कदम उठाओ इस हकीकत की बात याद रख के उठाना। सच बात तब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी रेहाना जब तक तुम ये ना समझ लो कि शादी का सही मतलब क्या है, सही मकसद क्या है। अगर किसी मौलवी पादरी या पंडित के सामने कसमें खाकर एक दूसरे के साथ रहने का वादा करना शादी है तो मैं शादीशुदा हूं, और अगर आग के गिर्द फेरे लेकर पूरी करने का नाम शादी है तो मैं शादीशुदा हूं। लेकिन अगर शादी का मतलब दो इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, एक दूसरे को जानना समझना और फिर एक होना है, तो मेरी शादी सिर्फ तुमसे हुई है रेहाना, सिर्फ तुमसे। आपकी इन फलसफाना बातों से मेरी तसल्ली तो हो गई, लेकिन अम्मी जान की नहीं होगी। आप बताइए ना बात क्या है। मैं अपने पिताजी की हर अच्छी बुरी बात को इतने ही अदमता था मानती हूँ। पिताजी ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती एक ऐसी जो बहुत ही ऊंची और सिगरेट पीती थी, शराब भी पीती थी, एक ही वक्त में कई लोगों के साथ फ्लर्ट। पिताजी को जब असलियत का पता चला तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। पिताजी की मौत मेरी जिंदगी का पहला गम था। मगर वह कहा, हुआ क्या? डाइवोर्स? नहीं। मां? मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरी बीवी का किसी और के साथ भाग जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यही कॉम्प्लेक्स मुझे उस जहन्नुम में ले गया था जहां से तुम मुझे वापस लाई हो। इसमें एक भी बात गलत नहीं है, एक भी बात झूठ नहीं है। रेहाना,
क्या वो शादीशुदा है? तुम बोलती क्यों नहीं? क्या वो शादीशुदा है? नहीं। फैसला कर लो। फिक्र मत कीजिए अम्मी जान। आप कितना प्यार करते हैं मुझे? प्यार को नापा जा सकता है, तोला जा सकता है। अगर नापने तोलने की जरूरत पड़ जाए तो फिर सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ। मुझे पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मसलन? अम्मी जान चाहती हैं अगर आप मजहब बदल लें तो। तुम क्या चाहती हो? मैं तो चाहना तब शुरू जब अम्मी जान मेरे लिए चाहना छोड़ देंगी। रेहाना, एक इंसानियत और दूसरे जात, दुनिया की जितनी भी जातें हैं उन सब की बुनियाद है इंसानियत। जिसके अंदर इंसानियत है उसके अंदर दुनिया के तमाम मजहब हैं। कोई बदलेगा क्या? काश ये बात मेरी अम्मी जान के समझ में आ जाती। कोई समझाने वाला होगा तो ही समझ में आएगी ना। तुम तो जिंदगी भर समझती रही हो, इसलिए समझाना तुम्हारे बस का नहीं है। अम्मी जान को समझाना तो किसी के भी बस का रोग नहीं है। ऐसी बात नहीं है रेहाना, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे समझा या समझाया नहीं जा सकता। तो क्या आप अम्मी जान को समझा लेंगे? अम्मी जान को समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। क्या? यही कि तुम्हारी और मेरी शादी मेरी और तुम्हारी अम्मी जान की समस्या है। इसके लिए तुम खामखा परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। इस समस्या का हल है? आर यू श्योर? हाँ है, हर समस्या का हल है, हर समस्या का एक ही हल है। क्या? प्यार। क्या? प्यार। बातें करें या
जीना था, क्योंकि तारा जी जीना था। साहब कहाँ? साहब, तुम मेरे साथ रुक जल्दी। अच्छा मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा था अगर वो अपना मजहब बदल ले तो उससे तुम्हारी शादी हो सकती है, लेकिन बेटे उस इंसान पर कैसे यकीन किया जा सकता है जो अपने धर्म ईमान को छोड़ दे। क्या पता वो तुम्हें भी छोड़ दे। बेटी, अगर वो मजहब बदलने को राजी हो जाए तो मेरा यही कहना है कि तुम उससे शादी मत करना बेटी।